नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरी एक और वीडियो में। आज आपको दिखाते हैं कि आलू की खेती कैसे होती है। और अपने गांव में आलू कट रहा था तो सरदार जी से जानकारी लेते हैं कि आलू की खेती कैसे होती है, कितना। ये देखिए कि आलू कट रहा है। ये सामने जो मशीन चल रही है इसे डिगर कहते हैं, इसे आलू काटते हैं। ये देखिए जी, ये सब आलू लगा हुआ था इसमें और ये उखाड़ दिया है इन्होंने। ये सब आलू उखाड़ा जा रहा है। ये सामने जो मशीन चल रही है ट्रैक्टर के द्वारा, इसे डिगर कहते हैं, आलू उखाड़ने वाली मशीन। जी आलू उखड़ रहा है, दिखाते हैं आपको। लेबर लगी हुई है सब और ये सब लोग आलू उखाड़ रहे हैं। देखिए डिग्गर चल रहा है। 120 दिन का आलू हो गया चिप्स होना, ये बीज के लिए रखा जाएगा। अब देखिए ये सब आलू पड़ा हुआ है। पहले के टाइम पे जब आलू उखाड़ते थे तो बहुत सारा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी आलू उखाड़ने के लिए, क्योंकि मशीनरी की इतनी सुविधा नहीं थी। तो अब तो ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं कि आलू लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रैक्टर के पीछे मशीन चलती है, जैसे आपको दिखा रहे हैं कि ये डिग्गर चल रहा है ट्रैक्टर के पीछे आलू उखाड़ने के लिए। ये लेबर सब लगी हुई है बीनने के लिए। चिप्सोना वैरायटी है ये सामने आपके, जो कि 120 दिन का हो गया है। जो आलू खाने के लिए उखाड़ते हैं या फिर दूसरा आलू जो होता है बिकता है, उसे कच्चा उखाड़ लिया जाता है, उसकी बेल नहीं कटवाई जाती ऊपर से। और ये जो आलू उखाड़ा जा रहा है बीज वाला, इसकी कुछ दिन पहले बेल कटवा दी जाती है ऊपर से, ताकि आलू ज़्यादा बढ़े ना। और ये वाला जो आलू उखड़ रहा है बीज के लिए रखा जाएगा। चिप्सोना क्वालिटी है। आलू को सब सब्जियों का राजा कहते हैं, इसे हर सब्जी में यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यूपी में आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे खेती हो रही है आलू की, आलू उगाया जा रहा है। मेरे गांव में भी बहुत बड़े लेवल पे खेती हो रही है आलू की, आलू उगाते हैं लोग। उसके बाद जो बेचने वाला होता है उसको बेच दिया जाता है। और ये वाला जो आलू, जो इसकी अभी छटाई होगी, मोटा मोटा अलग निकाल लिया जाएगा। और ये महीन वाला जो आलू है, जो जैसे ये जो महीन वाला आलू या फिर जो और छोटा वाला जो आलू है महीन वाला, उसको बोरों में भर के वो कोल्ड स्टोर में रख दिया जाएगा बीज के लिए, बीज में जाएगा। जब दोबारा गेहूँ की आलू की बुआई होगी तो उस बीज में काम आएगा वो वाला आलू। बाकी जो खाने वाला आलू है, चिप्स वगैरह जिसके बनते हैं, वो अलग छांट लिया जाएगा। ये देखिए आपके सामने डिग्गर मशीन चल रही है आलू उखाड़ने वाली, इस तरीके से आलू उखाड़ते हैं। आगे एक ब्लेड लगा हुआ है जो ज़मीन में दस्ता जाता है, और एक रूलर टाइप में लगा हुआ है ऊपर, जो आलू को ऊपर से घुमा घुमा के नीचे फेंकता रहता है। आलू वाले अलग हो जाते हैं, मिट्टी अलग हो जाती है।
इधर सारा पीछे आलू उखड़ चुका है और इधर रह गया है अभी कुछ आलू, ये शाम तक उखड़ जाएगा सब। इसको बाद में बोरियों में भरा जाएगा, भर के इसके बाद में छटाई होगी, महीन महीन अलग निकाल लिया जाएगा और मोटा मोटा अलग महीन भरकर जो है कोल्ड स्टोर में चला जाएगा बीज के लिए, और मोटा वाला बेच दिया जाएगा। आलू को सब्जी के अलावा और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, जैसे चिप्स वगैरह बनते हैं, फिंगर वगैरह बनते हैं इसके। आज के टाइम पे लोग जो टिक्की वगैरह खाते हैं उसमें आलू का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पास में जाके आपको डिगर दिखाते हैं कैसे आलू उखाड़ रहा है। आलू अलग होता चला जा रहा है और मिट्टी अलग होती चली जा रही है। ये सामने रूलर लगा हुआ है ऊपर, और इस मशीन को डिगर कहते हैं, आलू काटने वाली को। आलू बुआई से लेके उखड़वाई तक बहुत लागत लगती है इसमें। आलू में बोने वाली अलग मशीन होती है और उखाड़ने वाली अलग। बोने वाली जो मशीन है वो भी ट्रैक्टर से चलती है। आलू की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जैसे पुखराज होता है, चिप्सोना होता है, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये लोग तो जो लोग आलू की खेती करते हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी रहती है आलू के बारे में, और कौन सा आलू महंगा बिकता है, कौन सा सस्ता बिकता है। जो लोग खेती करते हैं लंबे समय से करते चले आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी रहती है इस बारे में। जैसे जो लोग गेहूँ की खेती करते हैं उन्हें गेहूँ के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। ये देखिए पूरे खेत में आलू ही आलू पड़ा है, अभी इसको बोरों में भरा जाएगा। उखड़ने के बाद सारा आलू बोरों में भरा जाएगा। सब लेबर बीन रही आलू को इधर। आलू के बीज के बारे में या फिर और कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करें। फार्मर्स फर्स्ट चॉइस। ये देखिए इस तरह दो दो मेड़ी लेके जा रहा है ट्रैक्टर, क्योंकि आलू उखाड़ रहा है। ये जो बीज वाला आलू है ये लेट उखड़ता है, और जो जल्दी वैरायटी होती है उखड़ने वाली, जल्दी जो आलू उखाड़ ले जाता है उसमें गेहूं की फसल भी पीछे हो जाती है। अब इस खेत में मक्का बोया जाएगा, क्योंकि ये बीज के लिए रखा आलू, क्योंकि ये लेट उखाड़ा जा रहा है। वो हिंदी में लोग अगर गाना गाते हैं, मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती। देखिए खेत में कितना सोना पड़ा है, हीरे मोती देखिए कितने पड़े हुए हैं खेत में। सच में मेरे खेत की मिट्टी सोना ही उगलती है, देखिए कितना सोना पड़ा हुआ है खेत में।
आलू पूरा पकने की जो निशानी होती है, अगर आलू को ऐसे करने पे दो तीन बार खाल उतरने लगे तो आलू अभी कच्चा है। देखिए ये बीज के लिए पूरा तैयार हो चुका है, ऐसे अगर करते हैं तो इस पर खाल नहीं उतर रही है, तो ये बीज के लिए आलू पूरा तैयार हो चुका है। ये जो आलू उखड़ रहा है बीज में जाएगा, अभी इसको बोरों में भर के कोल्ड स्टोर में रख दिया जाएगा। तो बीज वाले आलू को यही निशानी होती है, अगर ऐसे करें दो तीन बार इस पर तो इस पर की खाल नहीं उतरनी चाहिए, तो समझो बीज के लिए आलू तैयार हो गया। पहले सबसे ज़्यादा खेती आलू की जो होती थी वो पंजाब और महाराष्ट्र इन ज़िलों में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब यूपी में भी बहुत ज़्यादा आलू का उत्पादन होने लगा है, बहुत ज़्यादा आलू उगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के भी कुछ किसान बहुत ज़्यादा आलू उगाते हैं। अगर आलू के बारे में कोई जानकारी, बीज के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, आपको नंबर वगैरह दिया जाएगा उनसे संपर्क करने के लिए किसानों से, ताकि आपको कोई जानकारी लेनी हो तो उनसे ले सकें। आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट अगले ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल पर कमेंट करें आलू की खेती के बारे में। और अगर किसी को आलू उखाड़ने की मशीन लेनी हो तो इस तरह की लें, फिर डिगर कहते हैं।